ऐश्वर्या राय बच्चन लगातार चर्चा में चल रही हैं। इंटरनेट पर अगर देखा जाए पिछले एक डेढ़ महीने में तो सबसे ज़्यादा चर्चा ऐश्वर्या राय की हुई है, सबसे ज़्यादा उन पर खबरें बनी हैं। ये बात अवल है कि ना तो उनकी कोई फिल्म आ रही है, ना ही वो कोई ऐसा इवेंट अभी कर रही हैं जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल में मई में गई हों, लेकिन जुलाई महीना हो या अगस्त का महीना, हर जगह सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन छाई हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि साल 2007 में जब ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी और उसके बाद मीडिया ने उनको दे दिया था एक नया नाम, बच्चन बहू, और ये नाम सुनकर एक बार ऐश्वर्या चौंक गई थी। अभी भी जो है, कभी भी किसी भी फिल्म स्टार को दो कई तरह के नाम दिए जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को ही कोई उनको शहंशाह कह देता है, कोई उनको बिग बी बोलता है, कोई अमिताभ बच्चन बोलता है, कोई महानायक बोलता है, तो इसी तरह कई स्टार्स हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन को अगर उनके ऊपर कोई स्टोरी लिखी जा रही है तो पहली लाइन में उनको ऐश्वर्या राय बोला जाता है, दूसरी लाइन में उनको बच्चन बहू बोल दिया जाता है, कभी पूर्व मिस वर्ल्ड बोला जाता है, तो इस तरह के तमाम नाम होते हैं। लेकिन एक बार जब ऐश्वर्या को बच्चन बहू बोला गया तो वो बहुत रिएक्ट कर गई। उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी एक पहचान है, ठीक है मैं बच्चन परिवार की बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बच्चन बहू के नाम से बुलाया जाए। अभी हाल ही में जया बच्चन ने संसद में अपने नाम को लेकर खूब हंगामा किया, जया बच्चन को जो है जया अमिताभ बच्चन करके बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी भी एक पहचान है, और एक बार नहीं बल्कि दो दो दिन उन्होंने इस पर विरोध जताया कि मेरे नाम के आगे अमिताभ क्यों लगाया जा रहा है। हालांकि उन्हें यही बताया गया कि आपने खुद ये नाम लिखकर दिया है, आप जब आई हैं यहाँ राज्यसभा में तो आपके नाम के आगे जया अमिताभ बच्चन लिखा है। तो फिर जया बच्चन ने भी कहा कि मुझे अपने पति की उपलब्धि पर गर्व है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगी कि मेरा नाम सिर्फ जया बच्चन मुझे कहकर बुलाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या राय की शादी हुई, उसके बाद जो उनकी अगली फिल्म आई उसमें सीधे उनका नाम ऐश्वर्या राय बच्चन था, तो बच्चन सरनेम से कभी भी ऐश्वर्या को गुरेज नहीं रहा, बल्कि बड़े प्राउड के साथ उन्होंने अपनी शादी के बाद जो पहली फिल्म उनकी रिलीज़ हुई थी वो फिल्म धूम 2 थी, उसमें उनका नाम ऐश्वर्या राय बच्चन लिखकर आया था अभिषेक बच्चन की वाइफ, और उन्होंने इसको हमेशा फ्लॉन्ट किया अपने सरनेम को। देखा जाए तो बॉलीवुड में जैसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने अपना सरनेम नहीं लगाया, जैसे आलिया भट्ट हैं, वो आलिया भट्ट हैं हालांकि वो कपूर ख़ानदान की बहू हैं। इसके अलावा आपको बताएं सोनम कपूर ने भी अपनी शादी के बाद कोई सरनेम नहीं लगाया ससुराल का, तो दीपिका पादुकोण भी वही हैं, उन्होंने भी कोई सरनेम नहीं लगाया। तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने बड़े गर्व के साथ बच्चन सरनेम लगाया, और आपको बता दें कि जब उनको बच्चन बहू कहा गया तो उन्होंने क्या कहा। साल 2008 में एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय को बच्चन बहू पूछा गया था, तो उसमें उन्होंने बच्चन सरनेम की वजह से क्या उनके आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क पड़ा है, तो उन्होंने यही कहा कि ये सवाल मेरी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा खींचा गया है, यहाँ तक कि ये सभी शब्द ग्लैरियस रीडिंग के लिए हैं, ये बच्चन बहू की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक बनाता है। मैं एक आम लड़की हूँ, मैं ऐश्वर्या राय हूँ जिसने अभिषेक बच्चन से शादी की है, तो मेरा नाम वही है। ऐश्वर्या ने आगे कहा, ये सब परसेप्शन है, मुझे लगता है कि इस फैक्ट के कारण टॉक जनरेट करता है कि इस परिवार के सदस्य निश्चित रूप से लोगों की नज़रों में रहें, इसलिए मुझे लगता है कि सरनेम की रेलिवेंस इसी से है। परिवार के लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पहचान हासिल की है और वो इसके हकदार है, इसलिए नाम को उसका प्लेस दिया गया है और लोग इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और यही एक परिवार की फंक्शनिंग है। लेकिन हम एक परिवार हैं, अभिषेक और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला, हमने शादी कर ली, हम कोई बयान नहीं देना चाह रहे थे। आमतौर पे देखा जाए तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने ससुराल में सास ससुर के साथ रहें, लेकिन ऐश्वर्या राय 16-17 साल हो गए उनकी शादी को और वो अपने सास ससुर के साथ ही रह रही हैं, और हमेशा देखा गया है कि उन्होंने अपने परिवार की गरिमा को बनाए रखा। हमेशा देखा गया कि ऐश्वर्या राय अपने बच्चन परिवार के साथ ही हमेशा रहीं, साथ ही दिखी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय जो है अब उनको लगता है कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया, और अब वो अपने बच्चन परिवार से अलग नज़र आने लगी। जैसे कि वो वोट डालने गई तो वो अकेले गई, बच्चन परिवार कभी भी अकेले उस सदस्य कोई भी वोट डालने नहीं जाता, हमेशा बच्चन परिवार साथ में वोट डालने गया और साथ में सबने पोज दिया, लेकिन इस बार ऐश्वर्या ने
अलग राह अपनाई। इसी तरह जब अंबानी की शादी हुई तो वहां भी ऐश्वर्या अपने ससुराल वालों से अलग आई, बेटी के साथ उन्होंने अलग पोज दिया, वहीं बच्चन फैमिली ने अलग पोज दिया। उससे भी पता चला कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो परेशानी है। लेकिन ये भी एक दाद देनी पड़ेगी कि आमतौर पे बॉलीवुड में जब भी किसी की शादी होती है, जब भी कोई दो सुपरस्टार शादी करते हैं तो वो अलग रहते हैं, माँ बाप से अलग रहते हैं। लेकिन ऐश्वर्या ने इस बात को माना, उन्होंने अभिषेक बच्चन का जो उनके माता पिता से लगाव है उन्होंने इसका सम्मान रखा और अपने पति के साथ वो अपने ससुराल में रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चन परिवार में सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाए।